नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे सैन्य ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने हमारे पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि वैशाख की जो पूर्णिमा होती है उसका क्या महत्व है और उस दिन दान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। आज हम बात करेंगे वैशाख माह में स्नान का क्या महत्व है और इसको किस प्रकार से किया जाए ताकि हमें पूरा पुण्य फल प्राप्त हो। जैसे कि आपको पता है कि हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर 3 महीने में एक महीना ऐसा होता है जो स्नान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे पहला महीना है वैशाख, वैशाख के बाद आता है श्रावण, श्रावण के बाद आता है कार्तिक और उसके बाद आता है माघ। ये 4 महीने ऐसे हैं जिसमें स्नान का बहुत ही महत्व है। ऐसा मतलब नहीं है कि आप बाकी महीनों में नहीं नहाएंगे, लेकिन ये विशेष मंथ है जिसमें आपको नहाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक और होता है जो हर 3 साल में आता है, वो होता है अधिक मास। उसकी आज हम बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं वैशाख मास की, कि वैशाख मास में नहाने का क्या महत्व है और उससे हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जो मनुष्य वैशाख मास में स्नान करता है, वैशाख मास में विधिवत स्नान करता है, उसको उसके जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसके सभी सुख समृद्धि उसे प्राप्त होती है। अब आप ये कहेंगे कि वैशाख मास तो आधा हो चुका है, हमने तो शुरू से नहाया नहीं है। तो मैं आपको यही बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप आखिरी के 5 दिनों में भी, अगर आप आखिरी के 5 दिन भी विधिवत तरीके से, जो विधि मैं बताऊंगा उस विधि से अगर आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो संपूर्ण महीने का फल आपको इन 5 दिनों में प्राप्त हो सकता है। तो आने वाली 14 मई से 18 मई तक अगर आप इन 5 दिनों में बताई गई विधि, जो मैं विधि बताऊंगा उस विधि से अगर आप स्नान करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो लोग पूरे महीने नहा के आ रहे हैं, पूरे महीने से नहा रहे हैं, उस पूरे महीने का जो फल प्राप्त होता है वो आप इन 5 दिनों में ले सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो पूरे महीने नहा रहा है उसको भी वही फल प्राप्त होगा और ये जो इंसान 5 दिन नहा रहा है उसको भी वही फल प्राप्त होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ भाई, ऐसा संभव है। अगर आप विधिवत तरीके से, जो विधि है एक्चुअल में, उस विधि से अगर आप नहाते हैं 5 दिन भी, तो महीने भर का फल आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे एक क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में पहले बल्लेबाजों ने बहुत अच्छे से खेला, बहुत अच्छे रन भी बनाए, लेकिन अगर लास्ट जो बल्लेबाज है उसने आखिरी बॉल पे 6 मार के या 4 मार के मैच जिता देता है, तो बात वो आखिरी बल्लेबाज की ही होती है कि इस बल्लेबाज ने मैच जिताया, चाहे पिछले वालों ने कितनी मेहनत की हो। ठीक उसी प्रकार अगर हम लास्ट के 5 दिनों में बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत मन लगा के, बहुत श्रद्धा से, विधिपूर्वक अगर हम स्नान करते हैं, तो उस पूरे महीने का फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि वो विधि क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सुबह इन 5 दिन यानी 14 तारीख से लगा के 18 तारीख तक आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त आप जानते हैं कि उसका टाइम क्या है, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे और फिर स्नान करेंगे। लेकिन स्नान करने से पहले आप एक संकल्प करेंगे, संकल्प करने के बाद आप स्नान करेंगे। तो शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि कोई भी जो प्रमुख स्नान होते हैं वो मुख्य नदियों में या पवित्र नदियों में ही किया जाना चाहिए। लेकिन क्या आज ऐसा संभव है कि हर इंसान गंगा में या नर्मदा में या गोदावरी में, इसमें जाके नहा सकता है क्या? नहीं नहा सकता। तो आप क्या करेंगे, आपका जो पात्र है जिसमें आप पानी लेके नहा रहे हैं, उसी पानी को आप अभिमंत्रित कर सकते हैं, यानी उस पानी में उन 7 जो नदियां हैं, जो पवित्र नदियां हैं, उनका आह्वान करके आप उस पानी को गंगा जल या सभी नदियों का जल बना सकते हैं। मंत्र क्या है, मंत्र नोट कीजिए। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को बोलकर आप उस जो आपका पानी है अब वो जल बन गया है और सभी नदियाँ जो पवित्र नदियाँ हैं वो उसमें समावेश हो गई। अब आप उस पानी से स्नान कर लीजिए, तो आपको पवित्र नदियों के स्नान के बराबर फल की प्राप्ति होगी। चलिए, शास्त्रों में ऐसा भी माना गया है कि जो भी प्रमुख स्नान होते हैं, जिसकी अपन बात कर रहे हैं आज वैशाख मास की, तो उसको तीर्थ स्थानों में करना चाहिए। तीर्थ स्थान, जो भी पवित्र तीर्थ स्थान है, पवित्र नगरियाँ हैं, उनमें ही ये स्नान करें तो इसका ज़्यादा फल प्राप्त होता है। फिर बात वही आ जाती है कि आज के हम जो मनुष्य हैं वो इतने फुर्सत नहीं, हमें इतना हम बिजी रहते हैं, तो क्या हम एक स्नान करने के लिए या 5 दिन का स्नान करने के लिए क्या अयोध्या जाएंगे, क्या काशी जाएंगे, क्या ऐसी कोई जगह जाएंगे, जगन्नाथ जाएंगे? नहीं जा सकते। लेकिन आपको शास्त्रों में क्या बताया गया है कि इन जगह पर जाते हैं तो इसका ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम इन सारी जो पवित्र नगरी है
उनका भी हम आह्वान कर लें। अगर हम इन पवित्र नगरियों का आह्वान करते हैं यानी तीर्थ स्थानों का आह्वान करते हैं तो हमारा जो बाथरूम है वो भी अब क्या बन जाएगा, पवित्र नगरी बन जाएगा। तो चलिए मैं मंत्र बता देता हूँ। आप पहले तो आपने क्या करा, जो बाल्टी में जो पानी था आपका उसको भी मंत्रित कर लिया, यानी उसको आपने सारी नदियों को पानी उसमें मिला समावेश करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, उस रूम को जिस रूम में यानी जिस बाथरूम में हम नहा रहे हैं उसको भी हम पवित्र नगरी बना लेंगे। मंत्र क्या है नोट कीजिए, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा बती चैव सप्तेता मोक्ष दायिका। इस मंत्र को बोलकर आप जो पवित्र नगरियां हैं पवित्र तीर्थ है उनका समावेश आप अपनी अपनी जगह पर कर सकते हैं जहां पर आप नहा रहे हैं, जहां पर आप स्नान कर रहे हैं। इस तरह से आप इन दो मंत्रों के द्वारा सातों जो पवित्र नदियां हैं उनके उनमें स्नान करने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हो, और साथ ही ये सात मोक्षदायिनी नगरी हैं उनमें स्नान करने से जो लाभ प्राप्त होता है वो लाभ आपको घर बैठे भी प्राप्त हो सकता है अगर अच्छे मन से इन मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके आप स्नान करते हैं। तो अब आपका स्नान तो हो गया, स्नान करने के बाद अगर संभव हो सके आजू बाजू अगर आपके पास भगवान विष्णु का कोई मंदिर हो तो आप मंदिर में जरूर जाएं। अगर विष्णु भगवान का मंदिर नहीं मिलता है तो विष्णु के कोई भी अवतार जैसे राम है कृष्ण है ऐसे कोई भी अवतार के जो मंदिर है उसमें आप जाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का विधिवत पूजा करें। इसके बाद पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को चून डालें यानी चींटियों को जो खाना होता है वो डालें और गाय को घास खिलाएं। इन पाँच दिनों में कोई भी अगर व्रत आता है तो आप उस व्रत को करना है, अगर रविवार आता है तो रविवार का व्रत करना है और साथ में नमक नहीं खाना है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन पाँच दिनों में आपके द्वारा ऐसा कोई काम ना हो या आपके द्वारा ऐसी कोई वाणी या कोई शब्द ना बोला जाए जिससे किसी इंसान का अहित हो या उसके दिल को ठेस पहुँचे। आप ध्यान रखें कि इस दौरान आप कभी झूठ ना बोलें, वैसे तो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए लेकिन खासकर इन पाँच दिनों में जब आप ये कर रहे हैं स्नान तो उस समय झूठ बिल्कुल ना बोलें। आप इन पाँच दिनों में जब आप ये स्नान कर रहे हैं उस समय आप क्रोध बिल्कुल ना करें, सभी से प्रेम पूर्वक बोलें और ब्रह्मचारी का पालन करें। अब इस विधि से जो मैंने विधि बताई है उस विधि से अगर आप पाँच दिन नहाते हैं पाँच दिन स्नान करते हैं तो आपको संपूर्ण वैशाख मास के स्नान के बराबर फल प्राप्त होगा। तो मुझे आशा है कि आप इस तरह से स्नान जरूर करेंगे और वैशाख मास के जो स्नान का पुण्य फल है उसे जरूर प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।